नमस्कार, आप देख रहे हैं माँ खबर और मैं हूँ कृतिका भटनागर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। देश कोविड-19 के बुरे दौर से गुजर रहा है। अभी संक्रमण की रफ्तार पर काबू भी नहीं पाया जा सका था कि विशेषज्ञों ने कोविड-19 से ठीक हो रहे लोगों में फंगल संक्रमण के खतरे को लेकर सचेत किया है। म्यूकोरमाइकोसिस नामक इस फंगल संक्रमण को सामान्य बोलचाल की भाषा में काला फंगल के नाम से भी जाना जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कोरोना से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके लोगों को यह संक्रमण हो सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह संक्रमण खतरा बना हुआ है। नाक से शुरू होने वाला यह इन्फेक्शन आंखों और मस्तिष्क तक भी पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, यह कैंसर की जगह जानलेवा भी हो सकता है। देश के कई राज्यों में खबरें आ रही हैं कि कोविड-19 को मात देने के बाद ब्लैक फंगल की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। विशेषज्ञ लोगों के सचेत रहकर इसके लक्षणों की निगरानी करने और इस बारे में तुरंत डॉक्टरों से संपर्क कर इलाज शुरू कराने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं कि यह संक्रमण आंखों को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। डॉक्टर समीर कहते हैं कि संक्रमण के इस तरह के मामले नए नहीं हैं। यह फंगल हमारे वातावरण में मौजूद रहता है। जब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है तो यह फंगस शरीर पर हमला बोल देता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में नाक के माध्यम से होते हुए संक्रमण आंखों के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है। समय पर इसकी पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। इसके मुख्य लक्षण में संक्रमित लोगों को आंखों में लाली और दर्द की समस्या होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को डबल विजन और गंभीर मामलों में अंधापन होने का भी खतरा है। यह संक्रमण आंख की नसों को प्रभावित कर देता है जिसके कारण आंखों में अन्य कई तरह की दिक्कतें भी हो सकती हैं। अब सवाल यह है कि कोविड से ठीक होने के बाद आखिर इसका खतरा क्यों इतना अधिक बढ़ जाता है। दरअसल कोविड-19 के इलाज के दौरान रोगियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेरोटाइप दिया जाता है जिसके चलते उनकी इम्यूनिटी पर बुरा असर पड़ रहा है। संक्रमण का मुख्य कारण फिलहाल यही है। इसी के साथ डॉक्टर कोविड से ठीक हो चुके लोगों को सुबह हल्की धूप में बैठने, इसके अलावा विटामिन और मिनरल्स का सेवन करने से भी इम्यूनिटी को ठीक करने की सलाह देते हैं। वहीं जिन लोगों को ओरल या इंजेक्शन के माध्यम से स्टेरोटाइप दिया जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों को इम्यूनिटी इससे प्रभावित होती है। ऐसे लोगों को ही ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है। कोविड के दौरान जिन लोगों को ज़्यादा स्टेरॉइड देना पड़ा हो या जिन्हें लंबे समय तक आईसीयू में रखने की जरूरत पड़ी हो, ऐसे रोगियों को संक्रमण के बारे में विशेष सावधान रहना चाहिए। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस नाम की जानलेवा बीमारी का खतरा साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र में हालात चिंताजनक होने के अलावा मध्य प्रदेश के बाद हरियाणा में इस बीमारी ने अपने पैर पसार लिए हैं। जहां अब तक 3 दर्जन से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, वहीं उड़ीसा बिहार में इस बीमारी ने दस्तक दी है, जो कोरोना संक्रमण से ठीक हुए मरीजों को अपना निशाना बना रही है। ब्लैक फंगस के नाम से जानी जा रही इस बीमारी की चपेट में खासकर कोविड-19 से उभरे वो मरीज आ रहे हैं जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है। कोविड से ठीक हुए 3 मरीजों के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाए जाने की खबर 2 दिन पहले आई थी, जिनमें से एक मरीज मुजफ्फरनगर का था और दूसरा बिजनौर का। अब मथुरा में इस बीमारी के कम से कम 2 मरीजों के सामने आने की खबर है। खबरों के मुताबिक एक मरीज को दिल्ली रेफर कर दिया गया है जबकि दूसरों को मथुरा में अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मथुरा के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं महाराष्ट्र सरकार को अंदेशा है कि इस संक्रमण के करीब 2,000 मामले तक राज्य में हो सकते हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक उड़ीसा में इस बीमारी ने दस्तक दी। बीते सोमवार को भुवनेश्वर के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिले हुए 70 वर्षीय मरीज को ब्लैक फंगस होना पाया गया है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 14 मरीज पिछले 22 घंटों में पाए जा चुके हैं। गुजरात में बड़ा संकट सामने दिख रहा है क्योंकि अब तक 100 से ज़्यादा केस सामने आ चुके हैं जिनमें इस संक्रमण के चलते मरीजों को आँख गंवानी पड़ी है। सूरत में भी यही हाल है जहाँ 25 केस आ चुके हैं। ब्लैक फंगस का इलाज खोजने और इस पर काबू पाने के लिए देश में जो पहली यूनिट शुरू की जाएगी वह भोपाल और जबलपुर के मेडिकल कॉलेजों में बनेगी। इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश का आंकड़ा भी चिंताजनक दिख रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 50 केस सामने आने की बात स्वीकार की है। हालिया खबरों के मुताबिक इंदौर के अस्पतालों में यह संक्रमण 2 मरीजों की जान ले चुका है। लक्षण दिखने पर फौरन डॉक्टरी सलाह लें
अब तक आ रहे आंकड़ों के अनुसार 50% मामलों में जान बचाया जाना संभव हुआ है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना संक्रमण या उसके डर के चलते लोग अगर बगैर डॉक्टरी सलाह के या जरूरत से ज्यादा स्टेरोटाइप लेते हैं तो उन्हें संक्रमण संभव है। देश में इस बीमारी से जूझने के लिए अभी स्पष्ट सिस्टम नहीं है और इसकी दवा की शॉर्टेज या कालाबाजारी अभी से कुछ जगहों पर होने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। जानकारों की सलाह और हालात का तकाजा है कि सुरक्षा और सतर्कता ही एकमात्र बचाव है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहिए माँ खबर के साथ।